अखिल भारतीय ईपीएफ पेंशन भोगी फेडरेशन गोरखपुर के तत्वाधान में रविवार को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मासिक बैठक आहूत की गई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्षता केपी त्रिपाठी और संचालन राष्ट्रीय महामंत्री राम यश ने किया। साथ ही बैठक में भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट का लागू करने के लिए सरकार से मांग की गई। इस दौरान बैठक में एसके गुप्ता, उदय नारायण दुबे, सुरेंद्र बहादुर सिंह, राम मूर्ति, आदर्श गुप्ता, जमाल अहमद आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अश्विनी पांडे ने कहा, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, ईपीएफ पेंशन भोगी फेडरेशन, भारत माता की जय, जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो माता की जय, भारत माता की जय। अश्विनी पांडे, ये हम लोगों की मांगें बड़ी पुरानी हैं। ईपीएस 95 के पेंशन की मांग को लेकर के पिछले काफ़ी दिनों से लड़ा जा रहा है। पिछले जो संसद का सत्र था, जिसमें श्रम मंत्री गंगवार ने कहा था कि अगली सीबीटी की बैठक में, जो सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड है पेंशन देने की या इस ईपीएफओ को चलाने की बड़ी संस्था, उसकी बैठक के बाद हम पेंशनरों की सारी समस्या का समाधान करा देंगे। 21 अगस्त को सीबीटी की बैठक भी हैदराबाद में हो गई, लेकिन ईपीएफ पेंशनरों के सवाल पर कोई मुद्दा ही नहीं उठाया, जबकि ईपीएफओ में 400 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, जो ईपीएफ पेंशन फंड में ट्रांसफ़र करके इनको जीने लायक पेंशन दी जा सकती है। इसी के अभी तक निर्णय न लेने के विरोध में दिसंबर के पहले हफ्ते मर पूरे देश के ईपीएफ पेंशनर जेल भरो आंदोलन सत्याग्रह करके गिरफ्तारी देने का काम संसद के सामने दिल्ली में करने जा रहे हैं। आज हमारी डिमांड है कि कम से कम न्यूनतम पेंशन 9000, जो केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम पेंशन के बराबर है, यह भी केंद्रीय कर्मचारी ही हैं, इनको न्यूनतम पेंशन 9000 प्लस डीए के साथ दिया जाए। यह घोषणा अगर तत्काल नहीं होती है तो दिसंबर में हम लोग संसद का घेराव करेंगे और लाखों लाख ईपीएस से वृद्धजन पेंशन गिरफ्तारी करके जेल जाने का काम करेंगे।